निसिंग बैंक ऑफ बड़ौदा में हुई 10 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस अन्य जिला पुलिस के साथ साथ यूपी दिल्ली पुलिस से भी संपर्क कर रही है। पुलिस ने पिछले 3 दिन में 100 से ज्यादा सीसीटीवी भी खंगाले। सीसीटीवी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि निसिंग के बैंक ऑफ बड़ौदा में 5 अक्टूबर को लूट से पहले 2 लुटेरे बैंक में दाखिल होते हुए दिखे। ये दोनों लुटेरे बैंक के बाहर काफी देर से रेकी कर रहे थे। जब दोनों लुटेरे बैंक में दाखिल हो गए तो तीसरा लुटेरा बैंक के गेट पर थैला लेकर खड़ा रहा। मकसद था कि वारदात शुरू होने पर कोई बाहर न निकले। बैंक में दाखिल होने के बाद काले और सफेद टोपी पहने दोनों लुटेरे बैंक प्रबंधन के कमरे के सामने से गुजरे और सीधे सिक्योरिटी गार्ड की ओर बढ़ने लगे। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लुटेरे सिक्योरिटी गार्ड के नजदीक पहुंचे और गार्ड के मुड़ते ही उनकी बंदूक छीन उसे धक्का देकर जमीन पर गिराया। फिर लुटेरे ने पिस्तौल निकाल ली। पिस्तौल निकालने के बाद लुटेरों ने बैंक में 2 फायर किए। गोली की आवाज सुनकर बैंक मैनेजर के कमरे से एक शख्स घबराकर मुख्य द्वार की ओर भागा। तभी बैंक के गेट के सामने खड़ा तीसरा लुटेरा अंदर दाखिल हुआ और बाहर खड़े शख्स को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और बंदूक तान दी। दहशत का माहौल देख बैंक मैनेजर कमरे से दोनों हाथ ऊपर कर कैबिन से बाहर आया और लुटेरे उनके साथ अन्य कर्मियों को लेकर स्ट्रांग रूम की ओर बढ़े। एक लुटेरा बैग लेकर कैशियर के कैबिन में पहुंचा। वहां महिला कैशियर ने घबराकर तुरंत दराजों में रखी नकदी बैग में भर दी और फायरिंग कर फरार हुए लुटेरे। पुलिस का कहना है कि अभी जांच की जा रही है। इस मामले में पुलिस की 4 टीमें जांच कर रही है। 5 अक्टूबर दोपहर 3:45 पर लुटेरे बैंक में चेक भरने के लिए घुसे और उन्होंने सुरक्षा कर्मी के साथ हाथापाई कर बंदूक छीन सभी कर्मचारियों को गन पॉइंट पर लेकर बैंक से करीब 10 लाख रुपए लूट लिए। हालांकि पहले दिन करीब 20 लाख रुपए बताए गए थे, लेकिन जब बैंक में कैश की जाँच की गई तो वह करीब 10 लाख रुपए निकले। लुटेरे बैंक कर्मचारियों को स्ट्रांग रूम में बंधक बनाकर चले गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें आजाद कराया था। लुटेरे पुलिस की तरफ गोली चलाकर पल्सर बाइक से भाग गए थे। मारी सर तीन नाम मेरे के लाथा पाई हुई, मेरी गन कोस ली, फिर कनपट्टी बदर ली, गन कोस के कनपट्टी आए, अंदर आए, मास्क पहन के आए थे 3 जने जी लंबे लंबे। मैं बोले क्या करोगे, और चेक भरेंगे। जब 15 मिनट रह थी बैंक बंद होने में, 4:15 का टाइम था, तो वो चेक भरने में इतने में उनके पास गया था। वहाँ उसमें तो तीनों पे हथियार थे, तीनों हथियार थे, एक पिस्टल थी, 2 रिवॉल्वर थी, तीनों लोड थी। तो कितने पैसे लेके गए? कम से कम 20 लाख रुपये लेके। कहाँ से लेके? कैशियर से या कैसे? इधर से भी लेके, अंदर से भी लेके, बंद करके फिर सबको जी सबको बंद करके। हाँ, और कौन सी गाड़ी पे थे? कुछ पता? गाड़ी कुछ नहीं, हमने बाहर भी गोली वगैरह चलाई जी, बस जाते चलाई है। बताओ कोई बाहर बंदे बताओ, हमने नहीं देखी। हथियार कैसा था जिनके पास? हथियार 2 कट्टे थे, 1 रिवॉल्वर थी। आपका नाम? रविंद्र कुमार। तो जैसे ही आई उन्होंने गन पॉइंट पे लेके मुझे कहा कि कैश दो, कैश पे कौन बैठा है? तो मैं बैठी थी, चाबी दो। तो फिर उन्होंने कहा सारा कैश बैग में डाल दो। तो मैंने सारा कैश बैग में डाल दिया उनके। फिर कहते कि अंदर स्ट्रॉन्ग रूम में भी कैश होता है, उन्हें सब पता था नॉलेज बैंक के बारे में, कि स्ट्रॉन्ग रूम में भी कैश होता है बैंक में, स्ट्रॉन्ग रूम से भी हमें कैश चाहिए। गन पॉइंट पे मुझे और इन्हें लेके कीज के साथ हमें अंदर से भी सारा कैश सिक्के छोड़ गए हमें जी। तो वो सारा कैश लेके चले गए। फिर वो कहते कि हमें VDR भी चाहिए, जो कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है वो बताइए। तो हमने कहा हमें नहीं पता। फिर मुझे दोबारा से गन पॉइंट पे लेके वो मैनेजर कैबिन में ले गए। तो वो भी ले गए नहीं, वो फिर हमें कहा हमें नहीं पता कि वो सब ऊपर से कनेक्टेड होता है। फिर उन्होंने वो सारी वायरिंग वगैरह मोडेम जो भी हमारा इंटरनेट का कनेक्शन है सब वो साथ में लेके चले गए। भाषा कैसी थी मैम उनकी? सर हरियाणवी टाइप थी। फिर हम सबको वो फोन रखवा दिए थे, हम सबको बाहर स्टोर रूम में अंदर बंद करके बाहर से लॉक लगा दिए। तो मुंह ढका हुआ था उनका? हाँ, मास्क, बिल्कुल मास्क लगा रखा था और सिर पे पढ़ना टाइप था। बैंक ऑफ बड़ौदा मतलब बंद था। अभी मैं जस्ट यही मौके पे पहुंचा हूँ, जो बैंक मैनेजर है उनसे बात हुई है। उनका ये कहना है कि लगभग 4 का अराउंड 3 लड़के आए थे और उन्होंने वेपन, जो कुछ लोगों के पास में वेपन भी था, 20 लाख के आसपास का एक केस बता रहे हैं जो लोग लेके गए हैं। उस टाइम पुलिस भी यहाँ पर पहुँची थी। अभी पुलिसकर्मियों से बात की जानी शेष है, लेकिन एक पुलिसकर्मी ने कुछ पकड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो हाथापाई करके यहाँ से भी भाग गए थे। बाद में हमारी टीमों ने पीछा भी किया आसपास रमाना रमानी गाँव तक। बाद में मोटरसाइकिलों से वो गलियों से निकल गए थे, लेकिन अभी भी टीमें हमारी लगी। तो एक ही मोटरसाइकिल पे आए थे सर तीनों? जी, अभी तक जो जानकारी दी है इन्होंने उसके हिसाब से एक मोटरसाइकिल। तो 20 लाख रुपए ले गए सर? अभी जो इन्होंने बैंक मैनेजर ने जो बताया है वो 20 लाख के। तो अंदर बंधक बना दिया था, पुलिस वालों ने आके छुड़वाया सभी को?
जो ये बता रहे हैं कि जो भी इनके पास वेपन था तो सभी जो बैंक के अंदर जितने भी लोग थे, चाहे बैंक कर्मचारी थे या जो भी कस्टमर थे, उनको अंदर बंद कर दिया और उसके बाद इन्होंने सर डीवीआर भी लेकर जाना चाह रहे थे, उसमें कामयाब हुए या नहीं ले गए डीवीआर? देखिए अभी हम जांच कर रहे हैं कि एक्चुअल में डीवीआर लेके गए हैं कि नहीं लेके गए हैं, अभी उसको अभी चेक करवा रहे हैं। अगर सीसीटीवी फुटेज मिलेगी तो हमें बड़ी मदद मिलेगी। सर जो फायरिंग हुई है पुलिस के सामने हुई है, अभी पुलिस कर्मचारी है वो पीछे लगे हुए हैं, तो उन पुलिस कर्मचारी से बात की जानी शेष। तो लोगों से अपील करेंगे कि कोई भी इनको पहचानता है तो उनकी शिकायत दे सकता है, नाम गुप्त रखा जाएगा, इनाम भी दिया जा सकता है। डेफिनेटली आम लोगों का सहयोग बहुत अपेक्षित है इस मामले में, अगर किसी को यदि कोई जानकारी हो तो वो जरूर हमारे कनाल पुलिस के साथ साझा करें।